हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलएलएम की, बीपीपी यूनिवर्सिटी की जो कोर्स स्टार्ट डेट है और जो उसकी लास्ट अराइवल डेट है फॉर मई इनटेक, वो कौन कौन सी डेट्स हैं और कब तक आप अपना जो है वो वीज़ा फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कोर्स स्टार्ट डेट क्या है। कोर्स स्टार्ट डेट जो है वो 1 मई जो है वो आपकी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स स्टार्ट में जो फर्स्ट वीक और 10 डेज नॉर्मली होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन जो है होता है आपके कोर्स का, सब्जेक्ट्स का, टीचर्स का, और इवन दो ये को ऑलमोस्ट 2 वीक्स भी लेता है। और उसके बाद जो है जो आपका कोर्स की जो डेडलाइंस हैं जिसमें आपने वहाँ पे पहुँचना है यूनिवर्सिटी में, जिसको लास्ट अराइवल डेट कहते हैं, और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कि जो लास्ट अराइवल डेट होती है वो फाइनल होती है, और अगर कोई स्टूडेंट उस लास्ट डेट को मिस कर देता है तो उसका जो कैश है वो उसको कैंसिल करते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर लेते हैं, और स्टूडेंट अगर वो वहाँ पे पहुँच भी गया है तो वो वहाँ से उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जहन में रखना है कि जब भी आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करें, आप ये देखें कि आपकी जो कोर्स की लास्ट अराइवल डेट है वो कौन सी आ रही है, और क्या आप उस टाइम तक नॉर्मल वीज़ा के साथ जा सकते हैं या आपको प्रायोरिटी सर्विस को लेके उससे पहले पहले अपना वीज़ा लेके जाना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती, क्योंकि सम हो बाद में जाके वहाँ पे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, वो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स नहीं करती, और अगर यूनिवर्सिटी एक दफ़ा UKVI को लेटर लिख देती है इस हवाले से स्पॉन्सरशिप विड्रॉल का, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक स्टूडेंट इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स के साथ गया होता है और वो उस इनटेक के लिए अगर वो एलिजिबल नहीं होता, तो कुछ केसेस लास्ट इनटेक में इस तरह के हमारे पास भी आए थे कि जी हमारी जो स्पॉन्सरशिप है वो विड्रॉल हो गई है, हम लेट गए थे, हमें बताया नहीं गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन चीज़ों को जहन में रखें। फिर आपका जब कोर्स स्टार्ट डेट है तो कोशिश करें आप कोर्स स्टार्ट डेट तक वहाँ पे हों, क्योंकि उसमें कुछ आपके जो इंट्रोडक्शन वीक होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपकी जो गेट टुगेदर होती है विद योर टीचर्स तो और स्टूडेंट्स के साथ, तो ये बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो 10-15 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उससे पहले जा सकते हैं, और जाके आप अपना सेटलमेंट अकोमोडेशन मैनेज करनी होती है, फिर आपने अपने रूट्स मैनेज करने होते हैं, यूनिवर्सिटी तक जाना किस तरह से है, क्या कौन सी इकोनॉमिक सूटेबल रहेगी, किस तरह से यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, क्या टाइम टेबल आ रहा है, किस तरह से कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स की चॉइस को भी बेहतर कर सकते हैं। समटाइम आप अपना सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ले लेते हैं जो वीक के अंदर जो है वो आपके एक ही डे में आ सकते हैं, तो ये इन चीज़ों पे आपकी अच्छी खासी जो है वो कमांड भी हो जाती है वहाँ पे जाके, और फिर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपको जहन में रखना है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के एलएलएम की जो लास्ट अराइवल डेट है वो 22 मई, आप 22 मई से पहले पहले आपने हर सूरत में यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करना है, अलॉन्ग विद योर BRP, योर UK एड्रेस, योर फ़ोन नंबर जो आपने उनको प्रोवाइड करना है उसके साथ, तो देन वो आपकी फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगी उसको कंप्लीट करेंगे और आप अपनी क्लास प्रॉपर ले सकते हैं, और फिर आपके सारे पोर्टल्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इसको आप अपने लाजमी जहन में रखें, कोर्स स्टार्ट डेट 1 मई और लास्ट इनरोलमेंट 22 मई। तो इस दौरान में अभी रिसेंटली अप्रैल में ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो उसको भी जहन में रखना है आप लोगों ने, और उसके हिसाब से आप अपनी जो है वो प्रायोरिटी सर्विस जो है अगर लेना चाहें तो वो ले लें, अगर आप नॉर्मल के साथ भी जाना चाहें अभी स्टिल वो टाइम है, आप अभी अगर आजकल 1 वीक के अंदर फाइल करते हैं तो नॉर्मल में भी आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डर है कि नहीं जी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर आप प्रायोरिटी सर्विस के साथ ही जाएँ। थैंक यू सो मच।